हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अंदर ब्लॉग भैया एपिसोड। दोस्तों मैंने अपने यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों से पूछा था कि अगला ब्लॉग कहाँ का होना चाहिए, और आप लोगों का ज़्यादातर कमेंट था कि भैया के नाइट व्यू का चाहिए। सो फाइनली मैं लेकर आ चुका हूँ। अगर आप लोग पहली बार आए तो ऐसे ही कमेंट करिएगा कि आपको नेक्स्ट ब्लॉग कहाँ का चाहिए, मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा। सो चलिए शुरू करते हैं नाइट का व्यू। पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा वेडिंग हॉल, इसके बाद मैं दिखाऊंगा बाहर के व्यू और सब कुछ दिखाऊंगा, बहुत मज़ा आएगा। चलिए फिर देखें। तो गाइस ये देख सकते हैं बलिया का जो वेटिंग एरिया है, ये पूरा फिनिश तो नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो आप देख सकते हैं लास्ट जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है वहाँ पे टाइल्स लगाया जाएगा, तो उसको छोड़ के सब कुछ फिनिश हो चुका है। देखिए कितना लग्जरी लग रहा है, आराम से आप बैठ के यहाँ पर एक रात तो बिता ही सकते हैं, सो के ही बिता सकते हैं, क्योंकि ये जो चेयर है यहाँ पर सो सकते हैं। और चारों तरफ पंखे लगा दिए गए हैं, हर एक टेबल के ऊपर पंखे आपको दिख जाएंगे और चार्जिंग पोर्ट्स भी, तो बहुत सही है। और यहाँ पे आप ट्रेन के भी एक्सेस देख सकते हैं कि कौन सी ट्रेन कब आएगी कब जाएगी, तो काफ़ी सही है, हर एक सुविधा यहाँ पे दिया गया है। और हाँ सब सुविधा दिया गया है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं और आपको बाहर का मैं व्यू दिखाता हूँ, जो बलिया स्टेशन का सबसे फ्रंट का जो व्यू आपको हर जगह दिखता है उसको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ से देखिए कि जो लाइट है, इस लाइट को मैं दिखाया था अपने ब्लॉग में जब ये लग रहा था, और यही जल रहा है फिलहाल, तो सिर्फ एक जलाया जा रहा है। इसका मतलब पता है क्या, यहाँ पे काफ़ी लोग शरण लिए हैं, सो रहे हैं। देखिए फ्रंट का मैं व्यू दिखा दे रहा हूँ। 15 अगस्त का दिन बहुत अलग ही लग रहा था, मैं आ नहीं पाया, शूट नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, पर ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है रात को। और यहाँ पर आपको देखिए तीन तीन लाइट लगाए गए हैं, ये दो बंद है, क्योंकि ये जल जाएंगे तो एकदम से यहाँ पर दिन हो जाएगा और इतने सारे लोग यहाँ पे सो रहे हैं, सबको नींद ख़राब होगा, तो इसके लिए देखिए हमारे बलिया में एक ही जलाया जा रहा है, ताकि लोग जो सोए हैं वो आराम से सो सकें, उनका नींद ख़राब ना हो। कितना ख्याल रखा जाता है यहाँ के लोगों का, ऐसा कहीं भी स्टेशन पे नहीं होगा कि दो चार लाइट बंद करके ताकि लोग रात में सो सकें। और जो आना ना जाना है वो सब तो आ ही सकते हैं, ईजिली दिख ही रहा है, बहुत सारी चीज़ें देखिए काफ़ी लोग सोए हुए हैं ताकि उनका नींद ख़राब ना हो। और ये फ्रंट का मैं व्यू दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ दिन बाद आपको एक बहुत खूबसूरत पार्क भी दिखेगा, बस मुझे इंतज़ार है उस दिन का जब यहाँ पे पार्क का काम शुरू हो जाएगा। ये सारा एरिया एक पार्क का है, बहुत ही खूबसूरत पार्क दिखने वाला है यहाँ पे। और बलिया स्टेशन के आगे का जो व्यू है वो आप लोगों को कमेंट करने के बाद ही मैं दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत दिखता है बलिया सिटी रात में। हाँ तो बताना ही पड़ेगा आप लोगों को, जब कमेंट जब करेंगे तो मैं उसका ही ब्लॉग दिला के दिखाऊँगा। और उधर शौचालय बनाए जा रहे हैं नए नए, उधर आप देख सकते हैं नए नए शौचालय बनाए जा रहे हैं, पर ये तो फेल हो चुका था, उसके पीछे एक और बनाया जा रहा है। और इसी के साथ टिकट काउंटर में आपको चल के मैं दिखा दूंगा थोड़ा देर में। ये देखिए यहाँ पर भी बोर्ड लगाया गया है, एक डिजिटल बोर्ड, यहाँ पर ट्रेन शो होगा या फिर ऐड भी चल सकता है। और ये रहा आपका टिकट काउंटर्स, सिर्फ एक ही टिकट काउंटर है यहाँ पे, यहाँ पे हर तरह के टिकट मिलते हैं, हर तरह के यानी तत्काल और जनरल का भी, आप मशीन से भी निकाल सकते हैं इंस्टेंट। तो चलिए आपको अंदर चल के दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं काफ़ी सारे काउंटर सब खोल दिए गए हैं, पहले काफ़ी सारे काउंटर्स बंद हुआ करते थे, पर ये देखिए कितना लग्जरी है, लोग यहाँ पे स्टे भी कर रहे हैं अंदर, देखिए बैठने के लिए सब व्यवस्था है, मशीन भी है यहाँ पे, यहाँ से खुद से टिकट निकाल सकते हैं, चार्ज भी कर सकते हैं, पंखे वगैरह सब कुछ लगाए गए हैं। और तत्काल टिकट उधर कोने में मिलता है, तो आप लोग सुबह के 11 बजे से पहले तत्काल टिकट भी ले सकते हैं, काफ़ी सारी सुविधा हो चुकी है इसके अंदर आप देख सकते हैं। और ये सारे काउंटर पहले बंद थे पर सबको खोल दिया गया है। तो सो गाइस चलिए आपको चल के प्लेटफॉर्म में 1 पे दिखाते हैं। पहले ये देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे अभी इंडिकेट नहीं हो रहा है। सो हमारे आते हुए ये ट्रेन निकल गई और ट्रेन छूट भी रही है, लोकमान्य तिलक मुंबई से जाने वाली। सो फाइनली ये चल दी। तो गाइस ये देख सकते हैं कई तरह के डब्बे लगे हुए हैं इसमें रंग बिरंगे, और अभी से ये पिकअप बना रही है। तो ये कुछ रहा आपका रात का व्यू, कितना शांति का माहौल है। अभी दो चार दिन पहले एग्ज़ाम चल रहा था तो एकदम से इतना रश था कि यहाँ पे चलना भी बहुत मुश्किल था, और अभी देख सकते हैं प्लेटफार्म 1 का सिचुएशन काफ़ी शानदार है, काफ़ी बड़ी है, ट्रेन के डिब्बे बहुत ज़्यादा हैं और पीछे सारे एसी वाले रहते हैं, लेकिन ये देख सकते हैं लास्ट में 3 जनरल, और मुंबई जाने वाली ट्रेन का जनरल इतना खाली जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। ये देख सकते हैं कितना खाली है भाई, पूरा खाली खाली। तो ये था जनरेटर भाई, बहुत तगड़ी आवाज़ देता है ये।
और अगर हम देखें तो प्लेटफार्म नंबर जो 2 है वो उस पर लाइटिंग थोड़ा सा कम है, क्योंकि इस तरह का शेड अभी लगना उस पर बाकी है और बहुत जल्द लग जाएगा, तो मैं उसको ज़रूर दिखाऊंगा। और रात में यहाँ पे RPF लोग भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, ये देख सकते हैं सब कुछ नया लगा हुआ है यहाँ पे। इतना ज़्यादा लाइट है कि वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए फ़ोन में साफ क्लियर नहीं आ रहा है। और फाइनली मुझे दिन में दिखाना चाहिए, वहाँ पे जो काम चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि मैं पिछला ब्लॉग दिखाया था तो बस वहाँ पे उसका जो एरिया को घेरा गया था काम करने के लिए, पर फाइनली यहाँ पे पिलर्स भी दे दिए गए हैं। सो मैं चल कर भी करीब से दिखाऊंगा, उससे पहले आइए इधर देख लेते हैं। जब नाइट का व्यू चाहिए ही आपको तो सही से देखिए, कि रात में हमारा स्टेशन अभी पूरी लाइट्स जली नहीं है, इसके ऊपर का तो कोई लाइट नहीं जला हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस। जितना मैं दिखाया था अभी उतना ही है, काम को अभी रोका गया, अभी किसी और एरिया में किया जा रहा है। तो मैं अगर इसको क्रॉस करके आगे जाऊंगा तो सेम टू सेम शेड मिल जाएगा, वहाँ भी लाइटिंग सिस्टम बहुत परफेक्ट है, जिधर आपका एस्केलेटर है। और यहाँ से देखिए, यहाँ आपको एक और फुट स्टेप फ्लाईओवर दिखेगा, साथ में आपका एस्केलेटर भी दिखेगा और लिफ्ट भी दिखेगा, जो कि पहले बहुत दूर था। देखिए कितना दूर है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग, सबका रास्ता ये बन गया था इस ट्रैक के ऊपर से जाने का, पर दो चार हादसे यहाँ भी हो चुके हैं। इसके लिए जल्दी जल्दी बनाया जा रहा है ताकि लोग ज़्यादा ट्राई ना करें, और लोगों को देख के बच्चे भी ट्राई करते थे, मैं भी ट्राई करने वाला था पर याद आ गया नहीं नहीं मुझे भी देख के तो आप लोग कर ही लेंगे। तो गाइस प्लेटफार्म नंबर 1 पे मैं हूँ अभी, और ये देखिए जो बीच में ये जो शेड है ये अभी पूरा फिनिशिंग इसका नहीं हुआ है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा एयरपोर्ट वाला वाइब्स आ रहा है, जो कि जो पूरा इसका फाइनल वर्क है यहाँ पे हो चुका है, पर जो बीच का जो शेड है वो अभी बाकी है, यानी ये अभी वर्किंग प्रोग्रेस है, क्योंकि इसके आगे पीछे काफ़ी सारा काम था, इसको तोड़ा भी जा सकता था ब्रिज को बनाने के लिए, इसको इसलिए इसको छोड़ा गया था। पर यहाँ पे एक और एंट्रेंस है ना, इसके लिए पहले इसको बना दिया गया, क्योंकि लोग यहाँ से एंट्री और एग्जिट करते रहते हैं। और इसके पास में ये देखिए मस्त आपको कैंटीन वाला वाइब आ जाएगा चलता फिरता। तो ये देखिए कितना प्यारा माहौल है, कैमरे वैमरे सब लगे हुए हैं, बहुत ही हैवी हैवी। तो गाइस फाइनली स्वचालित सीढ़ी यहाँ पे देखिए, एक चढ़ने के लिए एक उतरने के लिए दो लगाया गया है, और अभी फिलहाल में ये लग रहा है अभी बंद है, स्टॉप ये तो स्टॉप करने वाला है, काम ही नहीं कर रहा है, तो फिलहाल ये बंद है। बगल में देखिए सीढ़ी भी लगा हुआ है बहुत ही बड़ा वाला, काफ़ी ज़्यादा लोग एक साथ चढ़ सकते हैं इसके ऊपर। और यहाँ से आप प्लेटफार्म नंबर 2 और 4 भी जा सकते हैं, एक्चुअली आप 3 पर भी जा सकते हैं, 2, 3, 4, अरे सॉरी यहाँ पे लिखने का मतलब वही है, 2 से 4, समझ नहीं पाया था मैं। सो ये देखिए आगे भी शेड वाला काम हो रहा था तो उसको भी पूरा कर दिया गया है, बस फिनिशिंग बाकी है उसका उधर आगे, और लाइट थोड़ा ऐसा ही लगा गया है बस जहाँ पे वो दुकान है बस वहीं पे लें। पर इधर देखिए इतने सारे पिलर्स आपको दिख रहे हैं ना, चलिए करीब से दिखाते हैं, लग रहा है मुझे नीचे उतरना ही पड़ेगा पटरी के नीचे। यहाँ देखिए पीछे से मैं लिफ्ट को दिखाता हूँ, पहले ये कलर नहीं था, पिछला मैंने जब ब्लॉग लाया था तो ये कलर नहीं था, अब पूरे इसको सिल्वर से कलर कर दिया गया है। देखिए अंदर बम्बू वगैरह सब कुछ लगाया गया है, यानी इस पर काम अब स्टार्ट है, बहुत जल्द इसको आप यूज़ कर सकते हैं आप, मुझे लगता है यही, जैसे कि आप देख सकते हैं ये अभी लोहे के कलर से ये, चलिए करीब से दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली क्रॉस कर रहा हूँ मैं ट्रैक, मजबूरी है भाई क्या कर सकते हैं, अब ऊपर चढ़ने का मूड नहीं था। इसको देखिए ये जो शेड है इस पर सीढ़ी लगाया गया है, अरे सॉरी जो लिफ्ट है इस पर सीढ़ी लगाया गया है, और हर एक क्या कहते हैं इसको, मतलब हर एक स्टेप ऊपर अगर जाएंगे तो देखिए इस पर वो लगाया गया है, यार मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, पर एक सपोर्ट लगाया गया है जिस पर खड़ा होकर के इसको पेंट किया जा सके, ये आप आसानी से देख सकते हैं। नहीं मुझे लग रहा है फ्लैश ऑन करना पड़ेगा अपना, मिस्टर फ्लैश ऑन हो जाए वो बहुत अच्छा ऑन हो गया। तो गाइस ये देखिए मुझे दिन में दिखाना चाहिए ये सब, पर आप लोगों का डिमांड था रात का ब्लॉग, तो ले लीजिए। देखिए ये जो लिफ्ट है ये पहले पिछला ब्लॉग में यहाँ पे गिराया गया था इसको, अब इसको देखिए उठा के खड़ा कर दिया गया है यहाँ पे, और पेंट किया जा रहा है इसको, और हर एक स्टेप पे देखिए लगाया गया सब सपोर्टर्स। पर अगर मैं लिफ्ट नंबर 3 को देखूँ तो वहाँ पर देखिए पेंट का काम चल रहा है सिल्वर कलर से। और ये प्लेटफार्म नंबर 4 यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे जो आपको पिलर्स दिख रहे हैं शेड के लिए सारे के सारे तैयार कर दिए काफ़ी दूर तक, पर इसको भी फिनिशिंग करना बाकी है, इसके ऊपर छत लगाना बाकी है। और ये एक नया अपडेट यहाँ पे देखिए, इसको तोड़ फोड़ के गड्ढा कर दिया गया है, पर यहाँ पे क्या होगा ये कुछ दिन के बाद ही मैं बता पाऊँगा, क्योंकि अभी तो बस आ ही रहा हूँ मैं,
इसके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको पता हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये गाइस ये देख सकते हैं, पीछे से मैं अपना अगर फुट स्टेप फ्लाईओवर दिखाऊं तो एक लिफ्ट यहाँ पे है, दूसरा लिफ्ट तैयार हो रहा है, तीसरा लिफ्ट तैयार हो रहा है, बहुत जल्द आप लोग लिफ्ट से भी उड़ने वाले हैं यहाँ पे मस्त। बस सही से यूज़ करिएगा, तोड़िएगा मत भाई। और ये जो लाइट का जो सिस्टम है, अभी थोड़ा सा काम इधर दिख रहा है, कम इसलिए कि अभी काम हो रहा है, अगर शेड को सारा लगाया जाएगा तो अंदर से लगाया जाएगा ना प्रोफेशनल लाइट, जैसे वहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेटफार्म में वन पर जो लगाया गया है उस तरह का लाइट हर जगह लगेगा। इसके लिए अभी लाइट को एक्सटेंड नहीं किया जा रहा है इन सब सेट्स के अंदर, तो बहुत जल्द प्लेटफार्म नंबर 2, 3, 4 हर जगह इतनी सारी लाइटें दिखेंगी और हर एक प्लेटफार्म पे बस उसके जैसा ही बन जाएगा। क्या व्यू दिखेगा, एकदम से एयरपोर्ट जैसा हमारा बलिया स्टेशन। क्या लगता है आपको कब तक हो जाएगा यह सब? तो ये है 2 और 3, वो है 4, ये 3 और ये है आपका 2, प्लेटफार्म नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। तो गाइज मैं अभी खड़ा हूँ प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 पे, और यहाँ पे देखिए शेड बनाने के लिए एक पिलर्स को ढाल दिया गया है, बहुत जल्द यहाँ पे शेड बनेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है उस शेड और इस शेड के बीच में, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है आप देख ही सकते हैं, और बीच में ये आपको पानी पीने वाला है, और ये सारे जालियों को यहाँ पर रखा गया है, इसका मुझे आइडिया नहीं है, और ये सब कुछ तोड़ के सब कुछ नया होगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे काम प्रोसेसिंग में चल रहा है, ये पढ़ सकते हैं। और बैकग्राउंड में बलिया शाहगंज खड़ी है, और ये कहाँ को जाएगी, अरे यार शाहगंज ही तो जाएगी। तो ये देखिए इसका सेटअप लग गया है यहाँ पे, बहुत ख़तरनाक तरीके से ड्रिल किया जाएगा। दिन में मैं आपको दिखाऊंगा, जब काम चल रहा होगा तो मैं आपके बिहाइंड द सीन दिखाऊंगा कैसे हो रहा है। और यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये कौन सी मशीन है, उसको तो देख के लग रहा है कि ड्रिल कर रहा होगा, पर पूरा सेटअप मुझे दिन में ही समझ में आएगा गाइस, तो मैं आपको दिन में बढ़िया से दिखा के बताऊंगा कि यहाँ पे क्या बनेगा और आखिर ये काम हो क्या रहा है।